Hi आज मैं बात करूंगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये है पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स तो पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स आजकल बहुत चर्चा में हर कोई ये कह रहा है कि हमें पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं पैराबिन क्या है पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करने हैं पैराबिन से हमें क्या नुकसान है ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी तो पैराबिन एक इन्ग्रीडियंट है एक केमिकल है जो कॉस्मेटिक्स में डाला जाता है कॉस्मेटिक्स uh, की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये डाले जाते हैं पैराबिन आपके कॉस्मेटिक्स में आपके मॉइस्चराइजर्स में इन सब प्रोडक्ट्स में क्योंकि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम करते हैं जिसका मतलब है कि पैराबिन अगर आपके प्रोडक्ट में डला होगा तो चांसेस हैं कि उसमें बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा आसानी से ग्रो नहीं करेंगे तो जिसका मतलब है कि पैराबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में तो अब क्यों ये कहा जा रहा है कि पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टडीज़ ने हाल फिलहाल में ये शो किया है कि पैराबेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे चेंजेस uh, uh, हमारी बॉडी में हो जाते हैं अगर हम ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं मेल्स में स्पर्म काउंट कम कर सकते हैं फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं ऐसे कुछ स्टडीज़ ने हाल फिलहाल में शो किया है तो अब इसमें कितनी सच्चाई है देखिए इसमें स्टडीज में कुछ ये भी बताया गया है कि कुछ सर्टन परसेंटेज में अगर पैराबिन आपके प्रोडक्ट में है तो उससे कम अगर है तो कैंसर uh, होने के चांसेस ना के बराबर हैं लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल है कितनी सच्चाई है इन स्टडीज़ में कितना परसेंट पैराबिन आपके कॉस्मेटिक्स में होना अलाउड है क्या सच में ये पैराबिन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं और uh, कितनी फ्रीक्वेंटली आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कितने लंबे समय तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ये तो पहला पॉइंट हुआ दूसरी एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये कि आ, कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि पैराबेंस हमारी बॉडी में इस्तेमाल ही नहीं हो पाते वो मेटाबलाइज होकर तुरंत एक्सक्रीट हो जाते हैं तो वो कभी हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट ही नहीं हो पाते और इस वजह से पैराबिन से उतना नुकसान नहीं हो सकता स्टडीज़ uh, ये भी शो करती हैं कि काफ़ी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज़, ओलिव्स, ग्रेप्स इन सब के अंदर भी पैराबेंस होते हैं और ये हम uh, अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो uh, ये तो हुई बात कि पैराबेन अगर है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं स्टडीज़ के हिसाब से अब दूसरा सवाल ये उठता है कि पैराबेन जो काम कर रहे थे अगर आप ये चाहें कि भाई हम पैराबिन फ्री प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब इतना सवाल उठा ही है कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है तो क्यों ना हम सब पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें तो अब सवाल ये उठता है कि ये पैराबिन जो रोल जो पैराबिन का था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि आपके कॉस्मेटिक्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाना लॉन्जिविटी बढ़ाना और कॉस्मेटिक्स में कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स ग्रो ना करें बैक्टीरिया फंगस ग्रो ना करें तो अब हम क्या करेंगे आ, कि जो पैराबेन की जगह इस्तेमाल करें कि जो ये पैराबेन का साइड इफेक्ट भी ना हो और प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाए तो अब इसमें ऐसा है कि काफ़ी कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि आजकल वो पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं तो पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स जब वो मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसमें वो क्या क्लेम करती हैं कि वो क्या ऐसा ऐड कर रही हैं कि जिससे वो प्रॉब्लम ना हो तो इसमें ऐसा है कि वो क्लेम करती हैं कंपनीज की वो बहुत ही नेचुरल बहुत ही हर्बल और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हैं जैसे कि वो रोजमेरी ऑयल नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हैं विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करती हैं बेसिल एक्सट्रैक्ट ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो पैरामिन का थोड़ा रोल भी हो जाता है और पैराम के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते तो अब इसमें क्या हर्ज है देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी ये प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं उनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी कि पैराबेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स की होती है दूसरी चीज़ ये कि इन प्रोडक्ट्स से भी एलर्जी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट नेचुरल है हर्बल है आयुर्वेदिक है तो उसमें एलर्जी होने के चांसेस नहीं हैं तो हो सकता है कि प्रोडक्ट पैराबेन फ्री तो हो लेकिन वो फिर भी स्किन के लिए सही ना हो स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ा दे और स्किन में एलर्जिक रिएक्शन या रैशेस कर दे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग नीम ऑयल जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और लेकिन उनको उससे एलर्जी हो जाती है तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट हुआ अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो, हो चुकी है ये है ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग क्या है ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि कुछ कंपनीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि उनके प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री हैं वो कंज्यूमर को इस तरह से अट्रैक्ट कर रही हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री हैं लेकिन एक्चुअली में या तो वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो पैराबिन की जगह क्या डाल रहे हैं और या फिर वो कुछ और ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो पैराबिन फ्री जरूर है लेकिन वो भी आपकी स्किन के लिए उतनी ही नुकसानदायक है जैसे कि फॉर्मैल्टी या ऐसे बहुत सारी और चीज़ें जो कि उस प्रोडक्ट में डली होंगी जो कंज्यूमर ये सोच के खरीदते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है लेकिन एक्चुअली में उसमें इतने सारे और कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो वो भी आपकी स्किन के लिए आ, सही नहीं है तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के प्रोडक्ट्स खरीदें काफ़ी बार आ, अगर आप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं जो पैराबिन फ्री हैं तो फिर आ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शायद उनकी शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी और आपको प्रोडक्ट जल्दी डिस्कार्ड करना पड़े और काफ़ी बार पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स उतने अच्छे अवेलेबल भी नहीं होते तो हमें ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है कि uh, हमें पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं अभी ये धीरे uh, धीरे और इसमें स्टडीज़ होंगी तो हमें और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स कितने ज़रूरी हैं और एक्चुअली में वो हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में uh, कितना नुकसान कर रहे हैं आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें और मेरा यूट्यूब हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर